अस्सलाम वालेकुम, आई एम शमीम गोरी, वेलकम टू गोरीज किचन। गोरी किचन में आज हम बना रहे हैं पास्ता। पास्ता बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है वो ये है पास्ता, चीनी, शुगर जो कि एक प्याली है, असली घी है। ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड होंगी और पास्ते को हम उबालेंगे, फिर इसके अंदर ये घी और शुगर ऐड होगी। पास्ता उबालने के लिए हमने पानी लिया है, इसमें हम इसको डालेंगे। ये अभी उबलेगा, इसमें इसको 5 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उबालने के लिए रख दें। ये देखें, ये बिल्कुल उबल चुकी है ये पास्ता बिल्कुल। अब हम इसको छन्ने में छान लेंगे। पास्ता बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले हम ये डालेंगे जिस हमने उबाला है पास्ता इसमें डोंगे में, फिर इसमें डालें ये शक्कर। आप अपने हिसाब के मुताबिक डालें कि आपको कितना मीठा पसंद है। फिर डालेंगे घी, अब इसको मिक्स कर लें। ये रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी है पास्ता।